तो आप अपना परिचय दें और उसके बाद ये बताएं कि अभी जो चुनाव के वक्त ये निर्णय एक तरीके से आप लोगों ने लिया है कि निरंजन पोद्दार को आप प्रमोट करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे, ये किस तरीके का निर्णय है, कैसे लिया गया, किन हालातों में लिया गया, और जो महत्वपूर्ण सवाल कि JBM के संगठन के रूप में आप लोग सभी देखे कि JBM के सारे परिवार यहाँ मौजूद हैं, आज आप लोगों ने निरंजन पोद्दार जी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में समर्थन देने का ऐलान किया, तो अब आगे की रणनीति जो है आप लोग किस तरीके से बना के आगे चलेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम मौलाना रिजवान नसीम कासमी है, मैं JBM पार्टी में अल्पसंख्यक का जिला सचिव हूँ। एक मिनट, अरे भाई रुकिए जरा साहब, इधर देखिए जरा साहब, और मैं और हमारे तमाम साथी, हम लोग जब से ये पार्टी बनी है तब से हम जुड़े हैं, हमने अपना तन मन धन सब इस पार्टी के लिए लुटाया है, खून पसीना बहाया है, और इस वक्त जो हमें सबसे बड़ी तकलीफ हुई कि हम एक घर और एक परिवार की तरह थे, लेकिन हमारे सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी जी ने हमारी बात को सराहा नहीं बल्कि हमारी बात को अनदेखा कर दिया। उनको चाहिए था कि वो हमें गले से लगाते और कहते कि भाई जो तुम प्रत्याशी देना चाहते हो वो बढ़िया प्रत्याशी है, जबकि हमारे संजीव मिश्रा जी जो इस वक्त जिनको टिकट दिया है JBM पार्टी ने, कंघी का निशान दिया है, सही बात तो ये है कि वो अपनी जगह खुद अपना वोट उनको नहीं है, अपने ख़ानदान का, अपने घर का, अपने गांव का वोट उनके पास नहीं है, तो वो सामाजिक वोट, पूरे विधानसभा का वोट कहाँ से ले आएंगे, ये तो समझना मुश्किल है। हम लोग अपने 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 पंचायत से, अपने गांव से 300-400 हज़ार वोट दिलवाते हैं, और हमारे ये निरंजन जी, निरंजन पोद्दार जी, इस वक्त हम देख रहे हैं और पहले से भी हम जान रहे हैं, क्योंकि बगल में हम रहते हैं, मेहरमा प्रखंड हमारा है, पहले से ये ज़िला परिषद हैं, और सिर्फ ज़िला परिषद होकर इन्होंने छोड़ नहीं दिया, बल्कि ज़िला परिषद में रहकर इन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई है, जिस तरह लोग अपने घर की जिम्मेदारी निभाते हैं उस तरह गरीबों के साथ, अपने समाज के साथ उठना बैठना, उनके दर्द दुख में शरीक होना, ये सारी चीज़ असल नेता की खूबी होती है जो इनके अंदर पाई जाती है। तो हमने इन चीज़ों को देखकर हमने आगे कहा, लेकिन हमारी बात को पीछे फेंक दिया गया। अब पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है या वो नहीं चाहते हैं, जबकि इतना बेहतरीन उम्मीदवार हम दे रहे हैं जो कि हर तरह से, मतलब कहते कि माहिर है, हर तरह से लायक है, लेकिन इसको छोड़ दिया। इसलिए हम सभी ने 13 तारीख को अपना एक मशवरा करके, रायशुमारी करके, जिसमें हमारे स्वयं धनंजय जी जो हमारे झारखंड में गोड्डा ज़िला के अध्यक्ष हैं JBM पार्टी के, उनकी अध्यक्षता में हम लोगों ने मीटिंग की और रायशुमारी करके हमने वहाँ ये अल्टीमेटम पार्टी को दिया कि हम जिन उम्मीदवार का हम नाम आपको दे रहे हैं उनको आप जो है टिकट दीजिए, और नहीं तो फिर मतलब कहते कि इसके पीछे हम आपको 3 दिन का वक्त देते हैं, हम लोगों को आप मतलब कहते कि ये समझिए कि हमने आप इस्तीफा दे दिया, यानी कि पार्टी को छोड़ दी। तो अभी अभी जो है आप लोग स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इनका समर्थन करेंगे या फिर? ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन मेरा नारा है JBM परिवार आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि वो भी हमारे JBM पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस तरह मेरा सम्मान होना चाहिए उस तरह उनका भी सम्मान है, लेकिन पार्टी ने न उनका सम्मान रखा न हमारा सम्मान रखा, किसी का भी नहीं। तो निर्दलीय हम लड़ाएंगे, निर्दलीय हैं लेकिन लायक हैं। आज जनता ये भीड़ ये बता रहा है कि इनको लड़ना चाहिए, और सबका कहना है कि आप लड़िए, चारों तरफ से हमें ही फोन आता है क्योंकि हम लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं कि आपने कैसा उम्मीदवार खड़ा कर दिया। इसलिए भैया हम उनको छोड़कर हम अपने निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन पोद्दार जी को ला रहे हैं, और इनके कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे, रात हो या दिन हम 24 घंटा इनके साथ हैं, जब तक कि 23 तारीख वो न गुजर जाए हम इनका न पीछा छोड़ेंगे न इनको छोड़ने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।